श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो है, एक बड़ी प्यारी कथा है, छोटी सी है। एक बार एक संत थे, उनके दो शिष्य दोनों चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। नदी में एक स्त्री डूब रही थी। एक शिष्य ने देखा तो गुरु की ओर से संदेश था कि पराई स्त्री को देखना नहीं है, छूना नहीं है। जो वो स्त्री नदी में डूब रही थी तो उसने आवाज़ लगाई, बचाओ बचाओ। लेकिन एक शिष्य मना कर गया कि मुझे तो स्त्री को छूना भी नहीं है, मैं कैसे बचा सकता हूँ। उसने दूसरे शिष्य को भी मना किया, लेकिन दूसरे शिष्य का मन नहीं माना कि एक आदमी डूब रहा है और मैं ये सोचूं कि स्त्री है या पुरुष है, हमें छूना नहीं है, कि क्यों मैं इस चीज में उलझूं। वो भागकर नदी में कूदा, उसे अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करवा दी। दूसरे शिष्य ने भी नदी पार कर ली। अब दोनों जाने लगे। अब जिस शिष्य के मन में आया था कि मैं उसे क्यों बचाऊं, वो कहता है, अरे तू तो बड़ा पापी है, तूने गुरुदेव की शिक्षा को सार्थक नहीं किया। उन्होंने कहा था कि प्राय स्त्री को छूना भी नहीं है और तूने छू लिया, क्यों, ऐसा क्यों किया तूने। वो शिष्य एक शब्द भी नहीं बोला। दोनों गुरुदेव के पास गए हैं। 5-6 घंटे का रास्ता सा जंगल से होकर गए थे। अब गुरुदेव के पास जैसे ही पहुंचे हैं तो तुरंत जाके गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने बड़ी गड़बड़ कर दी, एक बड़ा पाप कर दिया। बोले क्या हुआ। तब उस शिष्य ने बताया कि गुरुदेव, हम ऐसे ऐसे नदी पार करने जा रहे थे कि एक स्त्री थी, डूब रही थी, और डूबते डूबते कहती है कि बचाओ बचाओ। मैं तो नहीं गया, लेकिन ये भाग के कूद गया और उसे कंधे पर बिठाया गुरुदेव, और कंधे पर बिठा के नदी पार करवा दी। तब गुरुदेव ने कहा, अच्छा ये बताओ कि इसे नदी पार करवाने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। उस शिष्य ने कहा, तो इसे तो केवल 10 या 15 मिनट लगे थे। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें यहाँ आने में कितनी देर लगी। उसने कहा, जी नदी पार करने के बाद हमें 5-6 घंटे लग गए यहाँ आने में। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, इसने तो 15 मिनट का पाप किया, लेकिन तू उस चीज़ को अपने दिल में बसाए हुए, तुझे तो 6 घंटे हो गए, अब बता बड़ा पापी कौन है। जब गुरुदेव ने इस तरह का उदाहरण दिया तो वह शिष्य चुप हो गया, और शिष्य को बात समझ में आ गई कि ये कोई पाप नहीं था, ये तो जान बचाने के लिए किया गया एक नेक प्रयास था। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो उसे दिल में बसा लेते हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया, जबकि कई बार वो गलत नहीं होता, देखने में लगता है। इसी तरह से दृष्टि बदलने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये कथा मुझे कहीं पढ़ने को मिली और मैं आपके लिए लाया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।